ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सोजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादन् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवादी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठा स्कंद अध्याय चौथा अध्याय श्लोक संख्या 35 से 41 तक बहुत सुंदर भाव है इसमें। श्री शुक उवाच इति स्तुत में पढ़ लेते बाद में आप लोग आवृत्ति करें। इति स्तुत संस्तुवत स तस्मिन् अघमर्षणे प्रादुरासीत् कुरुश्रेष्ठ भगवान् भक्तवत्सलः कृतपादसुपर्णापि सुपर्णासे प्रलम्बाष्ट महाभुज चक्रशङ्ख शङ्खासि चर्मेषु धनुपाशगदाधरः पीतवासघनश्याम प्रसन्नवदनेक्षण वनमालनिवीताङ्गोल्लसश्रीवस्श्रीवत्स कौस्तुभः महाकिरीटकटक स्फुरन्मकरकुण्डलः काञ्चाङ्गुलीयवलय नुपुराङ्गदभूषितः त्रैलोक्यमोहनं रूपं बिभ्रत्रिभुवनेश्वर मृतो नारदनन्दादै पार्षदै सुरजूथपै स्तूयमाननुगायद्भिः सिद्धगन्धर्वचारणै। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा
अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक स्नेहिल भगवान हरि दक्ष द्वारा की गई स्तुतियों से अत्यधिक प्रसन्न हुए। अतः ये अघमर्षण नामक पवित्र स्थान पर प्रकट हुए। हे श्रेष्ठ कुरुवंशी महाराज परीक्षित, भगवान के चरण कमल उनके वाहन गरुड़ के कंधों पर रखे थे और ये अपनी आठ लंबी बलिष्ठ अतिव सुंदर भुजाओं सहित प्रकट हुए। अपने हाथों में ये चक्र, शंख, तलवार, ढाल, वान, धनुष, रश्मि तथा गदा धारण किए थे। प्रत्येक हाथ में अलग अलग हथियार थे और सबके सब चमचमा रहे थे। उनके वस्त्र पीले थे और उनके शरीर का रंग गहरा नीला था। उनकी आंखें तथा मुख अतीव मनोहर थे और उनके गले से लेकर पांव तक फूलों की लंबी माला लटक रही थी। उनका वक्षस्थल कौस्तुभमणि तथा शिवस्य चिन्ह से सुशोभित था। उनके सिर पर विशाल गोल मुकुट था और उनके कान मछलियों के सदृश कुंडलों से सुशोभित थे। ये सारे आभूषण असाधारण रूप से सुंदर थे। भगवान अपनी कमर में सोने की पेटी, बाहों में बिजावट, अंगुलियों में अंगूठियाँ तथा पाँव में पायल पहने थे। इस तरह विविध आभूषणों से सुशोभित भगवान हरि, जो तीनों लोकों के जीवों को आकर्षित करने वाले हैं, पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उनके साथ नारद, नंद जैसे महान भक्तों तथा स्वर्ग के राजा इंद्र इत्यादि प्रमुख देवता एवं उच्चतर लोकों यथा सिद्धलोक, गंधर्वलोक तथा चारण लोक के निवासी थे। भगवान के दोनों ओर तथा उनके पीछे भी स्थित ये भक्त निरंतर उनकी स्तुतियाँ कर रहे थे। 40वां श्लोक। रूपं तन्महदाश्चर्य विचक्षागत साध्यसः न नाम दंडवत भूमौ प्रहिष्टात्मा प्रजापतिः। भगवान के उस अद्भुत तथा तेजवान स्वरूप को देखकर प्रजापति दक्ष पहले तो कुछ भयभीत हुए, किंतु बाद में भगवान को देखकर अतीव प्रसन्न हुए और उन्हें नमस्कार करने के लिए भूमि पर दंडवत गिर पड़े। आज का श्लोक संख्या है 41। न किंचन उदीरयितुम अशकन् अशकत् तीव्रया मुदा आपुरीत मनोद्वारै हृदिन्न इव निरिझरै। न बोलिए, पीछे पीछे। किंचन उदीरयितुम अशकत् तीव्रया मुदा आपुरितम आपुरित मनोद्वारै हृदिन्न इव निर्झरै। न किंचन उदीरयितुम अशक तीव्रया मुदा आपुरित मनोद्वारै हृदिन्न इव निर्झरै। श्लोक का शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। नहीं, किंचन कोई वस्तु, उदीरयितुम कहने के लिए, असकत समर्थ था, तीव्रया अत्यधिक, मुदा सुख आपूरित भरा हुआ, मनद्वारे इंद्रियों के द्वारा, हृदिन्न नदिया नदियों इव सदृश निर्झरे पर्वत से मुसलधार वर्षा द्वारा। अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं,
जिस तरह पर्वत से प्रवाहित होने वाले जल से नदियाँ भर जाती है, उसी तरह दक्ष की सारी इंद्रियाँ प्रसन्नता से पूरित हो गई। अत्यधिक सुख के कारण दक्ष कुछ भी नहीं कह सके, अपितु भूमि पर पड़े रहे। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जब कोई व्यक्ति वास्तव में भगवान की अनुभूति करता है या दर्शन करता है तो पूर्ण सुख से पूरित हो जाता है। उदाहरणार्थ, जब ध्रुव महाराज ने भगवान को अपने समक्ष देखा तो उन्होंने कहा, हे स्वामिन, स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न जाचे। हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ भी नहीं मांगना है, अब मैं पूर्णतया तुष्ट हूँ। इसी तरह जब दक्ष प्रजापति ने अपने समक्ष भगवान को देखा तो ये भूमि पर दंड के समान लेट गए और किसी वस्तु के लिए कहने या मांगने में असमर्थ हो गए। यही पे श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त। तो दक्ष प्रजापति के अभी प्रकरण चल रहा है, तो दक्ष प्रजापति अघमर्षण तीर्थ में उन्होंने तप किया था, उन्होंने स्तुति की पाठ की थी, एक स्तुति स्तुति की पाठ की थी। स्तुति का नाम था हंसगृह स्तुति। हंसगृह स्तुति क्यों नाम पड़ गया? कि परमहंसों का स्तुति थी, किसी परमहंस ने लिखा था और उस स्तुति को रोज सुबह शाम ये प्रजापति दक्ष पाठ करते थे। तो प्रजापति दक्ष कौन थे? प्रजापति दक्ष प्राचीन वैश्य के पुत्र, प्रचेताओं के पुत्र, 10 प्रचेताओं के एक पुत्र हुए, नाम दक्ष प्रजापति। दक्ष दो बार नाम आया, एक बार चौथा स्कंद में एक दक्ष का नाम सुने हम लोग और दूसरा यहाँ दक्ष का नाम प्रजापति दक्ष। तो प्रजापति दक्ष प्रजावृद्धि के लिए मन के द्वारा सृष्टि की रचना करना था उनका। मन के द्वारा सृष्टि रचना करने से प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ठीक स्तुति की प्रजा वृद्धि के लिए, भगवान के सम्मुख भगवान के साथ स्तुति की। तो स्तुति करने से भगवान प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर भगवान ने उनको दर्शन दिए। तो दर्शन का रूप पहले वर्णन किया कि भगवान कैसे देखने में उनको लगा। जो भगवान का रूप यह वर्णन किया, इति स्तुत संस्तुवत तस्मिन अघमर्षने प्रादुरासित कुरुश्रेष्ठ भगवान भक्तवत्सल। भगवान भक्तवत्सल प्रादुरासित। कोई अगर जब स्तुति पाठ करते बहुत दिन जावत, बहुत दिन से लगातार पाठ करते, तो भगवान अनुभव होने लगता है। भक्तों का कर्तव्य है कोई स्तुति का निश्चित कोई स्तुति का नियम से पाठ करे, इसमें बहुत कुछ अनुभूति होने लगती है। तो हंसगृह स्तुति, ये जो स्तुति है, ये स्तुति प्रजा वृद्धि के लिए, संतान संसार में प्रजा वृद्धि के लिए इस स्तुति की पाठ की थी। तो ये जो उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि जब भगवान का दर्शन हुआ, भगवान उनको दर्शन दिए, भगवान का सुंदर स्वरूप का उन्होंने दर्शन किया, उन्होंने साथ ही साथ कुछ भयभीत हो गए। पहले लिखे उन्होंने दर्शन करके भयभीत हो गए, भयभीत होकर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किए, भगवान को देखकर अतीव प्रसन्न हुए और उन्हें नमस्कार करने के लिए भूमि पर दंडवत लौट गए। उसके बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जिस तरह, एक बहुत अच्छा उपमा दे रहे, जिस तरह पर्वत से प्रवाहित होने वाले जल से नदियाँ भर जाती है, जैसे बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ से क्या होती है, सारा संसार को भर देते, पूरा जल जहाँ देखेंगे वहीं पे जल, पानी की पानी, कुछ खाली नहीं रहते, सब जगह भर जाते हैं, नदियाँ भर जाते हैं। उसी तरह दक्ष की सारी इंद्रियाँ प्रसन्नता से पूरित हो गई। जब भगवान का दर्शन हो जाता है, सारी इंद्रियाँ और कुछ नहीं मांगते,
मुझे वही प्रभु के दर्शन कराए। जैसे आपकी मांग है कि दर्शन, वही प्रभु का दर्शन करें और कुछ देखे ना। कान प्रभु का ही जस सुने और कुछ ना सुने, इसी का माने इंद्रिया भर गए, इसी का अर्थ यही है कि हर इंद्रिया की मांग एक ही है कि प्रभु मुझे चाहिए, प्रभु का दर्शन, प्रभु का श्रवण, प्रभु का अधरामृत, हर चीज़ प्रभु के चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, जब कोई व्यक्ति वास्तव में भगवान की अनुभूति करता है, यहाँ दर्शन करता है, तो वो पूर्ण सुख से पूरित हो जाते हैं। जो कामना है, जो जीव को जो आनंद मिलता है, एक भागवत आनंद, एक जागतिक आनंद। आनंद दो ही प्रकार के, एक जागतिक आनंद, तो जागतिक जो आनंद है क्षणभंगुर है और नश्वर है, एक कुछ समय तक रहेगा फिर नष्ट होने वाला है। आज जो पारमार्थिक आनंद है वो पूरा आखिरी मतलब रहेगा, उसका कभी नाश नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, जो आनंद जो है, ये आनंद उनको मिला, एक जागतिक आनंद, एक पारमार्थिक आनंद। जागतिक आनंद क्षणभंगुर है और नश्वर है। जागतिक आनंद आता है कामना से, कुछ वस्तु की कामना करें, कामना की पूर्ति से, पूर्ति हो जाने के बाद एक आनंद की अनुभूति होती है, जागतिक आनंद की अनुभूति होती है। और ना मिलने पर क्रोध आता है, ये है जागतिक आनंद का लक्षण। जागतिक आनंद प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंहदेव वर देना चाहते, भगवान नरसिंहदेव वर देना चाहते कि प्रहलाद तुम कुछ वर ले लो। तो प्रहलाद जी कहे कि प्रभु वर तो नहीं चाहिए, हे प्रभु आप मुझे प्रलोभन मत दिखाइए, हे प्रभु आप प्रलोभन मत दिखाइए, आप मुझे उस जो जो चीज़ से मैं भयभीत हो, जिस संग से, जो आसक्ति से, जो कामना से जो मैं भयभीत हूँ, उसको मुझे हृदय से हटा दीजिए। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी देखिए प्रमाण दे रहे हैं भागवत में, मैं प्रमाण सुनाता हूँ। माँ माँ प्रलोभयत पत्या, हे प्रभु आप प्रलोभन मत दिखाए, माँ माँ प्रलोभयत पत्या आसक्तम कामेशु त्वयि वरे, हे प्रभु जो सांसारिक वस्तुओं में जो कामना है, आसक्ति है, उस आसक्ति आप मुझे मत दिखाए। तत्संग भी तो वो आसक्ति से मैं भयभीत हूँ, इसलिए मैं आपके चरणों का आश्रय लिया हो। फिर प्रभु भगवान तो दे रहे हैं, अच्छा प्रहलाद आप डरते क्यों है, मैं कुछ वर देना चाहते, कुछ कामना, कुछ आपकी इच्छा को पूर्ति करना चाहते, आप डरते क्यों है। तो प्रहलाद कहते हैं कि इस कामना से 10 प्रकार की क्षति होती है। इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम जश्च नश्यन्ति जन्मना। ये आने से, 10 प्रकार की कामना आने से सब नष्ट हो जाते हैं, सब श्री ह्री तेज सब नष्ट हो जाता है। तो प्रहलाद जी कामना से डरे, प्रहलाद जी कामनाओं से डरे कि कामना से आने से सारी तेज खत्म हो जाए। एक बात इसमें है, जो प्रहलाद जो प्रजापति दक्ष जो भक्त जो दर्शन के ये सकाम भक्त थे, ये प्रजा वृद्धि के लिए कामना कर रहे थे, ये है सकाम भक्त के लक्षण। कुछ कामना लेकर प्रभु की उपासना करें, उसको सकाम भक्त कहते। तो सकाम भक्त में एक सबको दोनों के दर्शन होता है, एक सकाम भक्त एक निष्काम भक्त, दोनों का ही प्रभु दर्शन देते। जो सकाम भक्त को दर्शन देते उनका मन में शांति नहीं रहती है, अशांति बनी रहती है। इसलिए आज जो भगवान के भक्त होते हैं वो निष्काम होते हैं, और निष्काम होने से कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। किंतु यहाँ जो प्रजापति दक्ष इस सकाम भक्त हुए, ये जो सकाम भक्त होते जैसे कुछ कर्म करे, कुछ कर्म कांड करे, कुछ ज्ञानी कांड करे, उसमें आखिर में कुछ भगवान उपासना करते। कर्म कांड का लक्षण जान दे, कर्म कांड किसको कहते, कर्म जो कर्म के प्राधान्य देते और साथ में भक्ति भी करते, जो कर्म करते हैं कर्म के साथ साथ भक्ति भी करते, किंतु कर्म प्रधानता रहते, कर्म में प्रधानता और
भक्ति गौणी भक्ति, इसको कहते गौणी भक्ति। भक्ति तीन प्रकार के, एक गौणी भक्ति, एक मिश्रा भक्ति और एक शुद्धा भक्ति। गौणी भक्ति में उसकी कामना भी माने छाछ भी चाहिए और माखन, छाछ भी चाहिए माखन नहीं चाहिए, मुझे भोग चाहिए, मुझे भगवान की जरूरत नहीं है। भगवान का सहारा लेते, भगवान का निमित्त बनाते, किंतु भोग प्रधान रहते। और मिश्र में क्या, उसमें छाछ भी है माखन भी, छाछ भी चाहिए और माखन भी चाहिए, भोग भी चाहिए और परमानंद के सुख भी चाहिए। इस ये है मिश्र भक्त का लक्षण। और शुद्धा भक्ति की न एकमात्र प्रभु की आवश्यकता और किसी की मांग नहीं है, प्रभु कैसे प्रसन्न हो इसी की ही चिंता करते, दूसरा कोई चिंता नहीं। तो कामना आज का विशेष लक्ष्य इस प्रभुपाद जी इसमें दिए हैं, जे जो जब कोई भगवान का दर्शन करते हैं वो आनंद में भर जाते हैं, उसकी हर इंद्रिया की एक ही मांग कि प्रभु का दर्शन हो, बारंबार प्रभु के दर्शन की लालसा रहती है, कान सुनना चाहते हैं प्रभु की जस, आँख भगवान का रूप दर्शन करना चाहते हैं, हर चीज़ हर इंद्रिया प्रभु की मांग, ये है दर्शन की। किंतु जब कामना रहते हुए जब जीव में कामना आ जाती है, कामना का स्रोत कोई रोक नहीं सकते, हृदय सभी जीव के अंदर कामना प्रवाह चल रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकते कि मैं कामना कुछ काम को हटा देंगे आप कुछ काम चीज़ की कामना नहीं करेंगे, ये कर नहीं सकते। इसका मोड़ सकते आप, कैसे मोड़ेंगे कि प्रभु के नाम रूप गुण लीला में आप मोड़ सकते हैं, ये है अंतर। जो जागतिक जो कामना है दोनों में कामना है, जो निष्काम भक्त है वो भी कामना है, उसमें शुद्ध कामना है। कामना क्या है कि प्रभु के नाम के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु के निरंतर प्रभु का नाम जस गाते रहे, प्रभु की ही दर्शन करे, प्रभु के ही रूप का दर्शन करे, प्रभु की ही जस श्रवण करे, प्रभु के ही जिह्वा से प्रभु का ही गुणगान करे, ये है निष्काम भक्त का लक्षण। और सकाम भक्त का लक्षण क्या है कि भोग की इच्छा है, इसीलिए वो दुखी दुख का अनुभव करता है। एक भक्त प्रश्न उठाए थे यहाँ कि भजन करने पर भी आनंद की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, हम लोग भजन तो कर रहे हैं, सब खूब निष्ठा से भजन कर रहे हैं, भजन करने पर भी आनंद की सुख की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है। इसका एकमात्र कारण है कामना। कामना जीव को आगे मतलब भागवत उन्मुख करने नहीं देते। भजन तो हो रहा है, चिंतन हो रहा है संसार की ओर, भजन हम माला जप कर रहे हैं, किंतु भजन अमर चिंतन कहा संसार में। इसीलिए जब तक चिंतन वही फल मिलेगा जो आप भजन करने पर, अगर संसार के चिंतन है तो मिलेगा क्या संसार, और संसार का चिंतन नहीं है, संसार की क्रियाएँ कर रहे और चिंतन हो रहे भगवान की, क्रिया क्या सांसारिक क्रिया और चिंतन क्या भगवत चिंतन, मिलेगा क्या भगवान मिलेगा। जैसे गोपिया गोपीजन घर में क्रियाएँ करती थी, सारी लिपा पोता सारी कर्म करती थी, और चिंतन प्रभु कब प्रभु से मिलेंगे, श्याम सुंदर से कब मेरा मिलन होगा। तो इसी प्रकार से जगह अगर हम चिंतन का सुधार ले तो हमारा जो भजन में जो सुख है वो मिल जाएगा। तब तक नहीं मिलेगा जब तक चिंतन संसार में लगा रहेगा। जैसे चिंतन को सुधारना, चिंतन को सुधारेंगे कैसे, एकमात्र उपाय है सत्संग। कोई अगर सत्संग करे और सत्संग से विशेष विशेष चीज़ें मिल जाती है और उसको जीवन में अपनाना है, जैसे प्रभु का नाम जप करना है, प्रभु का सुंदर रूप का दर्शन। यहाँ आज विशेष श्लोक में विशेष ध्यान देने की विषय है कि कामना को कैसे हटाए, जीवन में कामना को कैसे हटाए। आज अघमर्षण तीर्थ में स्तुति कर रहे हैं कौन, प्रजापति दक्ष। स्तुति करने के बाद उनको भगवत प्राप्ति हो गए, भगवान का दर्शन हो गया, जीवन का जो सफल जीवन का जो लक्ष्य उनका पूरा हो गया कि भगवान मुझे मिल गया। मिलने के बाद उन्होंने सकाम भक्ति किया, सकाम भक्ति करते करते सकाम करते करते उसका धीरे धीरे ये भी भागवत में आया
तब तक मन में शांति नहीं मिलेगी जब तक सकाम भक्ति करते रहेंगे, तब तक मन में शांति नहीं मिलेगी। जैसे शांति मिलती है निष्काम से, और निष्कामता ही तेज है। जब निष्कामता आएगी, निष्कामता मन में आ जाएगा, जैसे वहाँ भागवत में उदाहरण दिया, न पा रही हम निरबद्ध संगजाम सम जो है गोपीजन, तो तुम लोगों ने अपने मन से सारी क्रियाएं कर ली, मन से कि मन हमेशा भगवत चिंतन में रहे, इसलिए तुम्हारा ऋण कभी मैं चुका नहीं पाऊँगा। हाँ, तुम्हारा सारा सकाम कर्म नहीं, तुम निष्कामी भक्त हो। गोपीजन पहले दो प्रकार के भक्त, एक निष्काम भक्त एक सकाम भक्त। जो सकाम भक्त है उसको भी प्रभु दर्शन देते, जो निष्काम भक्त है उसको भी प्रभु दर्शन देते। जो निष्काम भक्त है उसको मन में शांति मिलती है, जो सकाम भक्त है उसको मन में शांति नहीं मिलती है। तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उस निष्कामता उनमें नहीं आएगी। तो निष्कामता जैसे सूर्यदेव, भगवान सूर्यदेव के पहले ज्ञान दिए, भगवान किसको पहले ज्ञान दिए, विवस्वान को, सूर्य को ज्ञान दिए। क्यों ज्ञान दिए, कि उनमें निष्काम था, निष्काम भक्त थे। जो निष्काम भक्त होते हैं तो प्रभु उसको ज्ञान देते हैं, क्योंकि क्योंकि उसमें कोई चाह नहीं, कोई किसी से कोई मांग नहीं कि कुछ देना है, कुछ टैक्स भरना है, ऐसे कोई उनका कोई चिंता नहीं है। सूर्यदेव के इसलिए भगवान सूर्यदेव को एक ज्ञान प्रदान किया। जो निष्काम भक्त होते हैं प्रभु उसको ज्ञान दिया। प्रभु वहाँ लिखे हैं तुम निष्काम भक्त हो। गीता का एक शब्द में अगर कहा जाए, गीता में क्या है, वो निष्काम भक्ति का ही शिक्षा दिया गया है, कैसे निष्काम बने। जब तक निष्काम बनी रहेगी, निष्कामता रहेगा, तब तक वो मन में शांति नहीं प्राप्त कर सकती है। ये है मूल आज श्लोक का तात्पर्य। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं जो भगवान के दर्शन कर लेते उनका सारा इंद्रिय आनंद में भर जाता है, और जैसे तन मनस्का तदा लापा तत् विचिष्ट तन मनस्का, क्योंकि गोपीजनों की जो मन है कृष्ण में रम गया, उनका ही लीला में डूब गया। जहाँ भी जाते मैं कृष्ण हम, मैं हमेशा कृष्ण का ही दर्शन करते। इसका कारण क्या, कि निष्कामता आ गई। जब तक निष्कामता नहीं रहेगा, निष्कामता नहीं आएगी, तब तक उस स्थिति की नहीं चल पाएगा, वो स्थिति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये जो श्लोक अभी चल रहे, जो प्रजापति दक्ष ने जो स्थिति की प्राप्त की है, ये सकाम स्थिति, ये भी बहुत उचित स्थिति है। यहाँ से धीरे धीरे और आगे बढ़ना पड़ेगा, निष्काम की ओर चलना पड़ेगा। जब तक निष्काम नहीं बने, जैसे निष्कामता से प्रभु कितना प्रेम करते, देखिए जितनी देवता है सब सकाम भक्त है। जो एक बार भगवान शिव इनसे कहे, पार्वती से, कि चलिए एक भक्त के दर्शन करें, एक भक्त के दर्शन के लिए चलेंगे, तो पार्वती जी बहुत प्रसन्न हैं कि आज भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का दर्शन मिलेगा। तो सबसे पहले एक धनी मानी व्यक्ति के घर में गए, उनका बहुत गाया माने बहुत गाया है, बहुत संपत्ति है। तो भगवान शिव एक ब्राह्मण के बेस में, गौरी बेस में गए, बोले मुझे 100 ग्राम दूध चाहिए। कितना दूध चाहिए, 100 ग्राम दूध चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे शालिग्राम शिला है, इसको नहलाना है। तो वो देने के लिए तैयार नहीं हुए। अरे सुबह सुबह आ गए, कहाँ से कंगाल, हाँ भागो भागो यहाँ से, उसको वहाँ से निकाल दिया, दूध नहीं दिया। तो भगवान शिव उनको ब्राह्मण बेस में, उनका मनी मन शिव जी पार्वती सामने थे, वो कहे कि इनका जितना संपत्ति है 100 गुना और ज़्यादा हो जाए, इनका 100 गुना और अधिक हो जाए, ये आशीर्वाद दे दिया। तो पार्वती कुछ समझ में नहीं आया, माने वैसे वही हक्का चक्का खा के क्या हो गया, इन कुछ नहीं दिया और इनका ऊपर से 100 गुना और अधिक संपत्ति का वरदान भी दे दिया। फिर कुछ दूर और गया, एक व्यक्ति बिल्कुल कंगाल, एक ही गैया है और उनकी मामी है, सेवा करती है, थोड़ा मोड़ा दूध मिलता है, उसी से परिवार चलता है। तो वहाँ भगवान शिव जाकर ब्राह्मण वेश में गए और कहे कि आप मुझे थोड़ा सा 100 ग्राम थोड़ा सा दूध दे दीजिए, हमारे ठाकुर जी है शालिग्राम, इसको नहलाएंगे। तो दे दिया, वो
जो ब्राह्मण जो जिनके घर में गए गरीब उन उन्होंने क्या किया, वो दूध दे दिया, जितना दूध था सब दे दिया। तो भगवान शिव क्या आशीर्वाद दे जानते, इनकी गैया मैया सब मर जाए, हाँ इनकी गैया मैया सब नष्ट हो जाए। तो पार्वती तो अवाक हो गए, अरे जिन्होंने कुछ जिनके पास था जिन्होंने दिया नहीं और उनको आप आशीर्वाद दे दिया, आज जिन्होंने दे दिया और उनको अभिशाप दे दिया, कुछ समझ में नहीं। तो भगवान शिव इसका वर्णन किए कि हे देवी, ओ और जितना धन अभी तो बहुत धन के घमंड में है, और ज़्यादा अधिक धन हो जाए और ज़्यादा घमंडी करेंगे, माने मौत में उस और पाप कर्म करेगा और पाप करने के पश्चात वो नरक जाएगा। और इनकी गैया मैया अभी भी आ सकती है, इन गैया मैया अगर चले जाए तो ये एकांत में हरि नाम करेंगे और कुछ चिंता नहीं दुनिया का, वो तुरंत हमारे पास आ जाएंगे। ये है लक्ष्य, भगवान किसी का कुछ दुख देते कामना का छीन लेते, वो भगवान बहुत कृपालु है कि कामना का छीन कर वो अपना पास बुलाना चाहते। किसी किसी का संसार को धन संपत्ति हरते हैं, अरे इतना भजन कर रहे फिर भी इनका इतने संसार में विपत्ति आती देखा, मैंने विपत्तियाँ है ऐसे देखा जाता है, बहुत भजन कर रहे हैं किंतु इनका देखना एक एक हर क्षण का विपत्ति ही विपत्ति। इसका कारण है भगवान उसको अपने पास बुलाना चाहते हैं। और किसी का बहुत धन संपत्ति बढ़ रहा है, मान लीजिए उनका बहुत बड़ा दुख आगे खड़ा है, तो कृपा दो ही प्रकार के, एक माया की कृपा और एक प्रभु की कृपा। कृपा दो ही प्रकार, माया कृपा जब करती है ना वो बहुत धन संपत्ति देते हैं, ये माया की कृपा मानना चाहिए। मान सम्मान जस प्रतिष्ठा संसार में बहुत उनका जस फैल जाता है, ये माया के द्वारा कृपा, माया जब कृपा करती है इसी प्रकार कृपा करती है। आप प्रभु जब कृपा करती है कृपा करते सारा सब कुछ छीन लेते, छीन कर अपने पास बुला लेते, ये है प्रभु कृपा। तो प्रभु कृपा कोई चाहता नहीं है, सब माया कृपा, मुझे माया कृपा चाहिए। और माया कृपा के कारण ये दुख भोगान्ति हाँ, जितनी भोग भोगान्ति ये माया के कृपा देना। आप माया कृपा छोड़ दीजिए, प्रभु कृपा पर निर्भर रहिए और निश्चित आपको भगवान मिल जाएगा। कि भैया तैयार हो, मुझे मैंने तैयार हो, सब कुछ सामना करने में तैयार हो। और निरंतर नाम का सुमिरन हो हाँ, तीन चीज़ ध्यान रखना चाहिए, एक धाम बस, दो नंबर जीभा पे निरंतर श्याम सुंदर कृष्ण का नाम, और तीसरा है हृदय में ध्यान, ठाकुर जी का ध्यान हो, मुंह में नाम हो और शरीर तन ब्रज में पड़ा रहे, निश्चित उसका कल्याण में कोई संदेह नहीं हाँ। धाम और तीर्थ में दोनों में अंतर है, तीर्थ में पाप का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाप का किसी तीर्थ में जैसे प्रयाग तीर्थ, जैसे और तीर्थ हैं जहाँ जहाँ हरिद्वार तीर्थ, जहाँ तीर्थ है, तीर्थ में निवास करने से दो चीज़ की प्राप्ति होती है, एक पापों की नाश और दूसरा मोक्ष की प्राप्ति। और धाम में अंतर ये है, धाम में रहने से प्रेम की प्राप्ति होती है, भागवत प्रेम जो संबंध हाँ, जो भगवान के जो संबंध जो ज्ञान है, संबंध ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो प्रभु हमारे हैं प्रभु के साथ जो दास्य सुख वात्सल्य माधुर्य का जो संबंध है, ये संबंध जुड़ जाता है हाँ, प्रभु हमारे स्वामी है, स्वामीन कृतार्थ उसमें वरम न जाचे। प्रभुपा जी एक श्लोक का कोट करते हैं, स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थितो हम, मैं ध्रुव जी कह रहे मैं स्थान के लिए मैं गया था, बड़ा बड़ा तप किया स्थान प्राप्ति के, क्या स्थान, मुझे हमारे पिता से भी बढ़कर राज्य चाहिए, इस पद की लोभ से तो गए थे ध्रुव महाराज, इसलिए मैंने तप किया था, तपस्वी स्थितो और अहम तम प्राप्तवान, मैं आपको प्राप्त कर लिया, अहम तम प्राप्तवान, मैंने आपको प्राप्त कर लिया, किस कैसे किया, तपस्वी स्थितो, तपस्वी समय में स्थित होकर, और देव मुनिन्द्र गुह्यम, जो देवता मुनियों को जो प्राप्त करना भारी कठिन है उस चीज़ को मैंने प्राप्त कर लिया, वाचम काचम विचिन मनपि, काचम विचिन मनपि दिव्य रत्नम, मैं कांच ढूंढने के लिए गया था, कांच खोजने के लिए मैंने निकले थे, सांसारिक जो राज सुख भोग है एक कांच के सुख के समान है, इसके खोजने के लिए मैंने निकले थे, ध्रुव जी कह रहे, अब मिला मुझे क्या, दिव्य रत्नम प्राप्तवान, मैंने मुझे दिव्य रत्न पा मिल गया, तो दिव्य रत्न मिल गया तो फिर
दिव्यरत्न मिल गया। हे स्वामिन कृतार्थ उसमें, मैं दिव्यरत्न प्राप्त करके मुझे मैंने कृतार्थ हो गया, मुझे और कुछ किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। तो क्या चाहिए? स्वामिन कृतार्थ उसमें वरम न जाचे, हे प्रभु वर मुझे मत, वर नहीं चाहिए। तो वहाँ प्रहलाद जी ध्रुव जी अगर कहे कि अगर मुझे वर देना है तो ये वर दीजिए कि निरंतर भक्तों का संग मिलता रहे। ये ध्रुव जी का मन में ये आया था कि हे प्रभु अगर आपका भक्तों का संग मिले तो मैं आपका निरंतर कृष्ण आपका जस सुनने को मिलेगा और आपका निरंतर आपके भाव में आपका चिंतन में डूबे रहेंगे। तो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि मुझे डूबना है, जैसे नदियाँ जैसे बाढ़ सबको डुबो देते, सब जमीन जैसे हम जब 95 में मायापुर में आए तो उस समय बाढ़ आया था मायापुर में, पर 14 फीट बाढ़ आया था, पूरा सब बहे जा रहा है, बिल्कुल सब डूब गया, लता पाता सब पार्क सब डूब गया। इसी प्रकार डूबना है, कैसे डूबना है कि प्रभु के नाम के धारा में, नाम के स्रोत में डूबना है, निरंतर नाम सुमिरन करना है। स्वामिन कृतार्थ उसमें भगवान से यही कामना, कामना दोनों करते, जो जागतिक व्यक्ति है उसका भी कामना है और जो पारमार्थिक है जो आध्यात्मिक है वो भी कामना करते हैं। कामना का कभी रोक नहीं सकते, कामना का मोड़ना है। मोड़ना कैसे? हे प्रभु आपका जस सुनने को मिले, हे प्रभु आपका रूप दर्शन करने को मिले, हे प्रभु आपका अधरामृत मिले, एक कामना, नाम रूप गुण लीला, हाँ इस शरीर ब्रजधाम से बाहर ना जाए, एक कामना, हाँ आपका नाम जीभा पर चलता रहे, एक क्षण के लिए भी नाम ना बंद हो, एक कामना, एक कामना। जब इसको मोड़ेंगे, जैसे आप नदी की धारा चल रहे उसको आप रोक नहीं सकते, आप वहाँ खड़े हो जाए कि मैं नदी को रोक लेंगे, नहीं रोक पाएंगे, उसको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा साइड से केनल बनाना पड़ेगा, धारा को उधार से बहा दीजिए। अगर किसी धारा में ले जाना है, मेन धारा को रोक नहीं सकते, उसको अगर उस किसी और धारा में ले जाना है उसको अलग से केनल बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार जो कामना का जो स्रोत है, जो जागतिक सुख भोक्ति जो स्रोत है उसको प्रभु की तरफ बहाना है, और इसके लिए आसान तरीका ये है कि ब्रजधाम, ब्रजधाम में रहने से भजन करना पड़ता नहीं, भजन माने करने की जरूरत नहीं, भजन हो जाता है। यहाँ लता पाताओं में, यहाँ जो परमाणु में, यहाँ भजन भजन है, यहाँ लताओं का दर्शन करना, यहाँ संतों का दर्शन करना, यहाँ रज का स्पर्श करना, ये भजन है। यहाँ कोई अगर गाली भी दे वो आपको भजन देकर गाली देंगे, हैं राधे देखा ही नहीं दिया, हाँ तो ये भी एक भजन हो जाता कि राधे नाम सुनाई पड़ा। तो कम से कम ये धाम में रहने से भजन हो जाता है, भजन करना पड़ता नहीं, भजन ऑटोमेटिक हो जाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखे हैं कि जब अघमर्षण तीर्थ में, अघमर्षण एक तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने दर्शन किया, भगवान को दर्शन किया, उसका इंद्रिय आनंद पूरित हो गया, इंद्रिय सब आनंद में डूब गया, तो परमार्थिक आनंद, हाँ हम लोग किस आनंद में डूबना चाहते हैं, जागतिक आनंद में डूबना चाहते हैं, इसकी धारा को कृष्ण की ओर ले जाना है, ये ध्यान देना है, ध्यान देने के विषय है कि हमारी जो कामना है, कामना का मैं कभी रोक नहीं सकते, एक कामना को पारमार्थिक प्रभु के नाम रूप गुण लीला की ओर ले जाना है। इसके लिए सत्संग की जरूरत है, निरंतर प्रभु के नाम रूप गुण लीला जहाँ हो रही है वहाँ करना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ लिखे स्थानाभिलाषी तपोसी स्थितो हम ताम प्राप्तवान देव मुनिन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वनपि दिव्य रत्नम हे स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न जाचे। कोई जैसे प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज कहे कि हे प्रभु मुझे भय मत दिखाइए, मुझे प्रलोभन मत दिखाइए, ये मैं प्रलोभन से मैं आपके कुछ वर मांग लेंगे लोभ से, हे प्रभु उसी के भय से मैं आपके पास आया हो, आप मुझे आपके चरणों में आश्रय दीजिए। तो अगर वर देना है, क्या वर देना है, हृदय में किसी कामना का उदय ही ना हो, हृदय में जो चाह की भाव है, जो जो मांग है वो मांग माने मिट जाए, कभी कामना हृदय में
उत्पन्न ना हो। राशिष ते कामन प्रहलाद जी का वचन है, राशिष यदि राशिष में कामन वरांस्तम वरदर्शव, हे वरदाने वाले, हे वरशिष्ठ, हे प्रभु, अगर आप वर देना चाहे, कामनम हृदय असंगरोह, हृदय कामनम असमरोह, हृदय में कभी कामना उत्पन्न ना हो, कभी हृदय में कामना आवे ना, ऐसे वर आप दीजिए। ये है वर लेने की भावना। अगर आप वर देना है, अगर कामना आ जाए तो 10 प्रकार की दोष आ जाएगा। 10 प्रकार दोष क्या है? इंद्रियाणि मन प्राण, इंद्रियों में दोष आ जाएगा, मन दूषित हो जाएगा। इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्म धृति मति, धर्म धृति मति ह्री श्री तेज स्मृति सत्या जैश नश्यंति जन्मना। जिसकी काम के आने से, कामनाओं के आने से ये 10 प्रकार की जो चीज है, जो 10 प्रकार की जो इंद्रिया है, जो शक्ति है, ये सब नष्ट हो जाएगा। हे प्रभु, कभी कामना मत दीजिए। अगर कामना देना है, क्या कामना दे? कि आपके नाम रूप गुण लीला में मेरा मन लग जाए। ये है जीवन का लक्ष्य। प्रभुपाद जी इसी को लिखते हैं, जब कोई व्यक्ति वास्तव में भगवान की अनुभूति करते हैं, उसकी हर इंद्रिया आनंद में पूरित हो जाती। जैसे देखिए, आज जब पूरित हो जाते तब, जब आनंद में डूब जाते तब क्या होते हैं? उनका तन मनस्का तदा लापा तत् विजेष्टा, हाँ, तो हर क्षण प्रभु के नाम रूप गुण। एक बार क्या हुआ, गोपीजन एक बार भगवान श्याम सुंदर की पेट में दर्द हो रहा था, पेट में दर्द, तो नारद जी कहे कि प्रभु आपका पेट में दर्द है, इसका बहुत तो दवाई दिया, कुछ ठीक नहीं हुआ, आप ही बताइए इसका दवाई क्या है, आप ही बताइए इस पेट रोग का क्या दवाई है। तो प्रभु ने क्या कहा कि आप जाइए इस पूरा त्रिभुवन में जाइए, और जहाँ कोई भक्त, हमारे भक्त अपना उनका चरण रज दे दे, उस चरण रज को आप लेकर आए, उसका सेवन करने से हमारा पेट का रोग ठीक हो जाएगा। तो नारद जी निकले और सब जगह ढूंढने लगे, सबसे कहने लगे प्रभु का पेट दर्द है, आप कुछ चरण रज दीजिए। किसी ने देने के लिए तैयार नहीं हुए, सब नहीं नहीं प्रभु को मैं अपना चरण रज दे नहीं सकते, खाली हाथ में लौट कर आए। कौन? नारद जी। नारद जी आकर कहे कि प्रभु कोई देना नहीं चाहते आपका, तो और कोई दूसरा उपाय बताइए। तो प्रभु कहे कि आप ब्रजधाम गए कि नहीं? बोले प्रभु ब्रजधाम तो और भी देने के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए मैं वहाँ गए ही नहीं। हाँ, तो प्रभु कहे कि आप पहले ब्रज में जाइए, वहाँ से लौट कर आए, फिर मुझे सुनाना क्या खबर है। तो जब ब्रज में आए, गोपीजन कहे कि गोपीजन से निवेदन किए कि अपना प्रभु का पेट में दर्द है, अगर आप कुछ अपना चरण रज दे दे तो प्रभु का दर्द ठीक हो जाएगा। तो प्रभु कहे, तो गोपीजन कहे कुछ लेकर आए क्या, कुछ उत्तरी, कुछ वस्त्र लेकर, कुछ ले जाने के लिए कुछ व्यवस्था, कुछ पात्र, कुछ मैंने इसे कुछ कैसे ले जाएंगे? तो गोपीजन अपना उत्तरी से पूरा अपना चरण रज मैंने दे देकर पूरा एकदम पूरा बड़ा मोटकी बना दिया, पूरे ले जाइए, अब श्याम सुंदर प्रसन्न रहे, सुखी रहे, उनका पेट दर्द ठीक हो जाए, मैं भले नरक में चले जाए इसकी कोई परवाह नहीं, कि हमारा श्याम सुंदर प्रसन्न रहे। ये है भावना, ये है कामना, ये है शुद्धा भक्ति। गोपीजन की शुद्धा भक्ति जो है, इसी को शुद्धा भक्ति कहते हैं, कि गोपीजन की एक ही लक्ष्य रहे कि मेरा प्रियतम श्याम सुंदर सुखी हो जाए। उनकी सारा दिन की एक ही चिंता, कृष्ण भावनामृत जो ग्रंथ है, वो आप जब दर्शन करेंगे अष्टायन लीला में, जहाँ जहाँ एक एक जाम में एक एक लीला बड़ा सुंदर वर्णन किए, वहाँ एक ही लक्ष्य है कि श्याम सुंदर की प्रसन्नता, श्याम सुंदर सुख का वर्धन कैसे हो। जैसे आप देखिए हरिनाम की चिंता में, जहाँ हरिनाम के रघुनाथ गोस्वामी एक बड़ा सुंदर भाव दिए, रघुनाथ गोस्वामी हरिनाम का अर्थ लिखे, प्रभुपाद जी अर्थ दिए कि हमारे नाम में हे श्याम सुंदर, हे राधारानी, हे बलराम, अपनी सेवा में मुझे रखिए, जोड़िए, अपने सेवा में सुजोग दीजिए, सेवा करने का सेवा करें, निरंतर आपकी सेवा में लगे रहे। ये है हरिनाम का अर्थ दिया श्रील प्रभुपाद जी ने। श्री रघुनाथ गोस्वामी ने मैंने बड़ा दिव्य अर्थ दिया। सब गोस्वामी, प्राय गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी,
तब नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर कभी स्मरण करेंगे, बड़ा सुंदर भाव है। तो रघुनाथ गोस्वामी लिखते हैं कि वहाँ बिल्कुल श्रृंगार रस का वर्णन किए, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस मतलब जैसे जागतिक स्त्री पुरुष का मिलन है, उसका चिंतन करने जिस प्रकार चित्त मलिन हो जाता है, ये सेम चिंतन सेम लीला राधा श्याम सुंदर की, ठाकुर जी की, से प्रियालाल के मिलन, वह चुंबन आलिंगन, हाँ सारी कुछ एक ही। तो उसका चिंतन से, वो चिंतन करने से हृदय में निर्मलता आ जाती है। और रघुनाथ गोस्वामी परम विरक्त शिरोमणि, विरक्त चूड़ामणि, उन्होंने ऐसे लीला का स्मरण किया, पूरा श्रृंगार का स्मरण किया। तो उसका कभी स्मरण करेंगे। कहने का उद्देश्य ये है, जागतिक चिंतन से मन मलिन होता है, और जब आप चिन्मय चिंतन करेंगे, राधा प्रिया श्याम सुंदर की लीला का चिंतन करेंगे, उसमें मन में मलिनता नहीं, निर्मलता आ जाएगी। तो इसीलिए वहाँ सुंदर खुला खुले, कोई मैंने किसी प्रकार की वहाँ पूरा आलिंगन, पूरा चिंत मैंने दिव्य लीला का स्मरण किया। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि एक परम विरक्त चूड़ामणि होते हुए कैसे उस लीला का स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि वो लीला स्मरण करने से ही मन में निर्मलता आएगी। हाँ, तो कहने का उद्देश्य कि जागतिक चिंतन से, जागतिक स्त्री पुरुष का चिंतन से मन में मलिनता आती है, और वही सेम चिंतन सेम लीला जब आप प्रियालाल के करेंगे तो मन में निर्मलता आ जाएगी। आप कभी सुनेंगे वहाँ का जो रघुनाथ गोस्वामी जो हरे शब्द का अर्थ लिखे, कृष्ण शब्द का अर्थ लिखे, पूरा श्रृंगार रस, पूरा किस चीज़ के आकर्षण कर रहे हैं, हाँ पूरा शरीर का आकर्षण, शरीर का सुंदर मिलन वहाँ करने से, चिंतन करने से, कभी कभी आचार्य का भाव देखने से मन में निर्मलता आ जाती है कि श्रृंगार रस का कितना सुंदर व्याख्या है। तो जय हो, आज श्रील प्रभुपाद जी ने कि डूबने के लिए कहा कि जब हम कामना से मुक्त होकर पारमार्थिक कामना करेंगे, प्रभु के नाम रूप गुण लीला में डूबेंगे, तो हमारे इंद्रिया भी कृष्ण भावना में डूब जाएगा। आप देखेंगे गजेंद्र जी गजेंद्र मोक्ष में, गजेंद्र मोक्ष लीला में गजेंद्र स्तुति कर रहे हैं। क्या स्तुति कर रहे हैं? हे प्रभु, अब हमारी जो इच्छा है, बाहरी और भीतरी जो अविद्या का जो रूप जो इच्छा है, इस इच्छा को मिटा दीजिए और मुझे मोक्ष धन प्रदान कीजिए। मोक्ष रूप जो मोक्ष है वो मोक्ष मुझे प्रदान कीजिए, और जो कामना है वो कामना को आप जीजी विश्व अहम मैंने जीने की इच्छा नहीं है, हे प्रभु आप मेरे अंदर और बाहर जो अविद्या है जो इसको नाश करके आप मुझे मुक्ति प्रदान करिए। गजेंद्र जी का ऐसे प्रार्थना है। तो कहने का उद्देश्य ये है कि कामना से मुक्त होना है, कामना से मुक्त होने के लिए प्रभु के नाम रूप गुण लीला में डूबना पड़ेगा, और इसके लिए ब्रज धाम सर्वोपरि है। यहाँ शरीर अगर रहे तो ऑटोमेटिक इस दशा में पहुँच जाएंगे, इसका कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी तो बहुत सुंदर शब्द लिखे, जहाँ मन में आया सुंदर रूप से कहने के प्रयास किया। मेरा ये भावना है, इस श्लोक में लिखे कृतार्थ उसमें बरम न जाते, हे स्वामिन मैं कृतार्थ हो गए। कुछ बरम की पार्थ, किसी चीज़ की कामना करना ही बेकार है, कामना करेंगे तो आपको भोगना पड़ेगा। अगर जागतिक कामना है उसको प्रभु की ओर मोड़ना है, अगर स्त्री है उसकी प्रभु की सेवा में लगाना है, ना कि अपनी सेवा में। कैसे प्रभु की सेवा करें? जैसे धन है तो प्रभु की सेवा में प्रयोग करें, कि अपना सुख के लिए, अपना कैसे प्रकार से पेट मैंने भूख मिटा ले किसी प्रकार से, किंतु प्रभु ना, प्रभु के भक्तों के लिए, प्रभु के लिए इस धन की उपयोग करना चाहिए। तो आखिरी में 2 मिनट कीर्तन करके समाप्त कर देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, Thank you.
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare